तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक और जॉब न्यूज़ लेकर आया हूं। तो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं जॉब कहाँ पर निकली है। विदाउट टाइम वेस्टिंग इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, होटल प्रबंध खान पान प्रौद्योगिकी एवं पोषण आहार संस्थान में यह जॉब निकली हुई है। तो दोस्तों, यह सरकारी जॉब है, यहाँ पर कई प्रकार की भर्तियाँ निकली हुई हैं। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जबलपुर में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती, ठीक है। यहाँ पर कई प्रकार की जॉब निकली हुई हैं, पूरा चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्याख्याता यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या दी हुई और यहाँ पर टोटल जो ग्रेड पे है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेड पे दिया हुआ है, यहाँ पर 15,600 से आपको 39,000 रुपये इसमें मिलने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सामान्य श्रेणी श्रेणी वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी श्रेणी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आयु सीमा भी है, यहीं पर आप देख सकते हैं, अधिकतम आयु यहाँ पर 28/2/2019 को अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों, जो यहाँ पर सहायक व्याख्याता की पोस्ट है उसमें आपकी आयु होनी चाहिए यहाँ पर 30 वर्ष अधिकतम, और कार्यालय अधीक्षक की पोस्ट इसमें आपकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और सहायक ग्रेड 2 सह लेखापाल इसमें आपकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए 28/2/2019 तक, सहायक ग्रेड 3 सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रयोगशाला सेवक के लिए यहाँ पर आपकी 35 वर्ष और 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप जो यहाँ पर सैलरी पे आपको की जाएगी वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, फर्स्ट वैकेंसी में यहाँ पर 15,600 से आपको 39,100 रुपये और साथ ही 5,400 यहाँ पर ग्रेड पे के साथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर एक और प्यून की जॉब भी नीचे दी हुई है, तो इसमें भी आपकी आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। पूरी भर्ती यहाँ पर सीधी भर्ती है, और यहाँ पर जो रिक्त पदों की संख्या है, यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर 3 पद हैं, यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर एक पद है, और सहायक ग्रेड की यहाँ पर 2 पद हैं, और प्रयोगशाला सेवक के भी यहाँ पर 2 पद हैं, और प्यून के यहाँ पर 1 पद है। तो चलिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहली पोस्ट है उसके लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए, और यहाँ पर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, होटल मैनेजमेंट राज्य के टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से 3 साल का होटल प्रबंध में डिप्लोमा होना चाहिए। और जो यहाँ पर दूसरी वैकेंसी है, ठीक है, दूसरी वैकेंसी सहायक व्याख्याता की वैकेंसी, तो इसमें स्टेट टेक्नोलॉजी एजुकेशन बोर्ड फॉर होटल मैनेजमेंट या नेशनल काउंसलिंग से मान्यता प्राप्त 3 वर्षीय डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट की उपाधि द्वितीय श्रेणी, ठीक है, द्वितीय श्रेणी में पास होना चाहिए, या उसके अलावा नहीं, अथवा आपके उस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में होटल प्रबंध की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं तीसरी वैकेंसी, ठीक है, इसमें एक और योग्यता यहाँ पर दी हुई है जिसे आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी वैकेंसी कार्यालय अधीक्षक की है जो, ठीक है। तो कार्यालय अधीक्षक में शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा 5 वर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव होना चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान वांछनीय होगा, ठीक है। और सहायक ग्रेड 2 सह लेखापाल के लिए यहाँ पर 55% अंकों के साथ आपकी कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और कार्य अनुभव स्नातक डिग्री मतलब ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपकी कॉमर्स में 55% अंकों के साथ, और कार्य अनुभव भी साथ में आपको 5 वर्ष का मैंडेटरी होगा यहाँ पर। और साथ ही जो यहाँ पर पांचवी पोस्ट है सहायक ग्रेड 3 6 कंप्यूटर ऑपरेटर, तो इसमें आपको 12th पास होना अनिवार्य है, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका 1 वर्ष का डिप्लोमा मतलब DCA होना चाहिए, और साथ ही आपको हिंदी प्लस अंग्रेजी से 30 वर्ड प्रति मिनट स्पीड मतलब आपकी CPCT भी होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। कार्य अनुभव पर 1 वर्ष का कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पर कार्य करने का फील्ड अनुभव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर छठी पोस्ट है प्रयोगशाला सेवक की, तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मिडिल स्कूल 8वीं पास है, सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन फूड एंड
दुनिया भर का लिखा हुआ है, यहाँ इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यून की जो अंतिम वैकेंसी है उसमें आपको केवल 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इसकी कुछ शर्तें हैं जो यहाँ पर सामान्य शर्तें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या शर्तें हैं? उपर्युक्त पद गैर पेंशन योग्य है, आवेदक आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से भर सकता है। ठीक है, आयु सीमा शैक्षणिक पदों के लिए अधिकतम 40 वर्ष और 30 वर्ष है एवं शैक्षणिक पदों के लिए, तो उसने यहाँ पर जो यहाँ पर डिटेल दी हुई है इसे आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब न्यूज की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी को। यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।